इस बंगाल में बोलना चाहता हूँ, ये मेरा एक ड्रीम टीम था। लाइक जैसे जब भाईचुंग हम लोग का जो सिक्किम का आइकॉन है, इंडिया का एक आइकॉन है, वहाँ से जब भाईचुंग भुटिया जब ईस्ट बंगाल साइन किया था, तो मेरा एक एम ही था कि मैं जब एकेडमी था मैं सुनता था कि ईस्ट बंगाल क्लब से हम लोग का भाईचुंग भुटिया खेल रहा है, तो ये मेरा एम ही था कि मैं भी उधर में जाके स्टार्ट करूँगा। लेकिन वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाया। फर्स्ट मेरा क्लब एयर इंडिया था, सो एयर इंडिया में मैं 1.5 ईयर खेला उधर में, जब नेशनल लीग था उस टाइम में खेला। सो जब मेरे को ईस्ट बंगाल से ऑफर आया, जब नीतू दा ने मेरे को कॉल करके बोला कि तुमको ईस्ट बंगाल खेलना है कि नहीं खेलना है, तो मैंने फर्स्ट दूसरा क्लब से भी ऑफर आया था, लेकिन मेरा फर्स्ट एम ही था कि मैं ईस्ट बंगाल में साइन करना है। कुछ भी हो, सीनियर प्लेयर लोग ने बोला था कि उधर में जाके काफ़ी प्रेशर होगा, काफ़ी प्लेयर लोग का करियर ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेरा एक ही एम था कि मेरे को ईस्ट बंगाल खेलना है, कैसे भी खेलना है। सो मेरा जब ऑफर आया, नीतू दा ने मुझे जो ऑफर दिया, तो मेरा एक ही एम था कि मेरे को ईस्ट बंगाल ही साइन करना है, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ ईस्ट बंगाल का जर्नी। जर्सी मुझे ये लगता है कि ये जर्सी एक डिफरेंट फीलिंग देता है। मैंने इतना सारा क्लब में खेला हूँ और बहुत क्लब में खेल चुका हूँ इंडिया का, और नेशनल टीम में भी खेल चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं ईस्ट बंगाल का जर्सी पहनता था, जब मैं ईस्ट बंगाल में था, जब भी ईस्ट बंगाल का जर्सी पहनता था, एक अलग ही फीलिंग होता है इसमें। नॉट ओनली फॉर फुटबॉल, ये फुटबॉल के लिए सिर्फ नहीं, एक फैंस का जो वेल विशर है इधर का, जो लवर्स लोग हैं फुटबॉल का, जो कलकत्ता में ईस्ट बंगाल जो लवर्स लोग हैं, जो हम लोग का वेल विशर लोग हैं, वो लोग के लिए ही मुझे लगता है कि हम लोग फुटबॉल खेलता था इधर में आके, तो ये जर्सी पहनने से मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता था फुटबॉल खेलने के लिए। सपोर्टर तो एक स्पोर्ट्स में मेन ही सपोर्टर लोग होता है। सपोर्टर नहीं होने से स्पोर्ट्स का कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता में जो सपोर्टर लोग हैं स्पोर्ट्स के लिए, जो फुटबॉल के लिए, जो फुटबॉल लवर फुटबॉल फैंस लोग हैं, जो वेल विशर लोग हैं, मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल में मुझे काफ़ी अच्छा इधर से मोटिवेशन मिला फैंस लोग से। मैं अब जब जूनियर आया था तभी भी काफ़ी यहाँ से सपोर्ट मिला, काफ़ी लव मिला यहाँ से, काफ़ी सपोर्ट मिला, तो मुझे लगता है कि वहाँ वो लोग के सपोर्ट की वजह से भी मुझे लगता है कि मैं ईस्ट बंगाल में काफ़ी साल खेल सका। मेरा बेस्ट मैच काफ़ी मैचेस है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मोहनबान के साथ में जो गोल किया था मैंने फेडरेशन कप में सेमीफाइनल में, वो मैच हारा था हम लोग, लेकिन तभी भी वो मैच मेरे लिए बेस्ट था, और उधर से काफ़ी मुझे लगता है कि उधर से मेरा टर्निंग पॉइंट और मुझे फैंस फॉलोइंग का काफ़ी सपोर्ट मिला था उधर से। ये बेस्ट फीलिंग्स है, एक क्लब में 100 ईयर्स, एक क्लब 100 ईयर्स हो रहा है इंडिया में, और मुझे लगता है इसमें एक पार्ट ऑफ ये 100 ईयर्स का पार्ट में होना, और इसमें मुझे नीतू दा द्वारा एक एज ए कैप्टन, जो फॉर्मर कैप्टन था, उसके द्वारा मुझे इधर बुला के 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन में मुझे भी एक पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे चांस दिया, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ये मेरे लिए फीलिंग्स है। काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं इधर में ये आने के लिए कोशिश किया था, लेकिन आ पाया मैं आज। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लग रहा है फीलिंग्स इधर आने से मुझे। 100 ईयर्स ही सिर्फ नहीं, मुझे जब भी मैं ईस्ट बंगाल क्लब में आता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग्स होता है, और मुझे लगता है कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ फुटबॉल और मुझे खेलना है, तो इधर आके मुझे लगता है कि और भी फुटबॉल खेलने का अभी जोश आ जाता है।